हेलो एवरीवन वेलकम टू रवेद्य क्लासेस आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट ट्वेल्व मंथ्स 2022 आज इस वीडियो में हम पूरे साल के यानी आपके 2022 में जनवरी से दिसंबर तक के जो भी मोस्ट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन आपके जनवरी से दिसंबर मंथ के एक मिक्सअप क्वेश्चन है लेकिन सभी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए फ्रेंड्स कंप्लीट देखिएगा वीडियो को 250 फिफ्टी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पी आप लोग को वेबसाइट से मिल जाएगा रविदेदी डॉट रविदित्य से तो आप लोग वहाँ पे जाएँ पी आप लोग को आराम से वहाँ पे मिल जाएगा और इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये आपके हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी चलिए फिर शुरू करते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसकी पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम क्या है आंसर इज पीटी उषा ये एथलीट है और पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडर हैव द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर्स विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 77 परसेंट तो यहां बताना है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे टॉप पोजिशन पे कौन से लीडर रहे हैं तो वो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि इस लिस्ट में रही हैं फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड प्लेस में हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एंथनीस और इसे इशू किसने किया मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूएसए ने अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू ऑफिशिएट इन अ मेन्स फीफा वर्ल्ड कप मैच पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप मैचेस में उसमें एंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है आंसर इज फ्रांस की स्टेफनी फ्रेफर्ट हुज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है? राइट आंसर इज अनिल चौहान वॉन द नोबल प्राइज इन मेडिसिन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर जीनोम रिसर्च ऑफ एक्सटेंट स्पीशीज तो यहाँ बताना है कि जो मेडिसिन में नोबल प्राइज है ये किसने जीता है आंसर इज स्वीडन के स्वांते पाइबो पेबो ने जीता है मेडिसिन में नोवल प्राइज हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 राइट आंसर इज वलमिर जेलेंसकी यूक्रेन के प्रेसिडेंट है एंड द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन तो इन्होंने जीता है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बी सी सी आई तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन हिंदी लैंग्वेज तो जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स हैं इन्हें हिंदी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो कौन सा है मध्य प्रदेश हुन द क्रिकेट वुमेन्स एशिया कप 2022 टाइटल फॉर द रिकॉर्ड टाइम। तो भाई सातवीं बार जो है क्रिकेट महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता आंसर इज इंडिया हुज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है वो कुछ टाइम पहले ही देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष बनी है और उनका नाम है समीर वी कामत नीति आयोग हैज़ डिसाइडेड विच सिटी एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन दी होल ऑफ इंडिया ऑन दी बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो नीति आयोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर कौन से शहर को पूरे भारत में जो है बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया है तो डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार जो कि है उत्तराखंड में फिफ्टीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो भारत के पचासवें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ विच इज द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पानी वाला जो भारत का पहला मेट्रो शहर बना है वो है फ्रेंड्स कोलकाता जो कि है वेस्ट बंगाल में विच इंडियन ऑथर हैज द इंटरनेशनल बुकर ऑफ प्राइस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिंदी नोवल ऑफ सेंड तो एक ये नोवल का नाम है जिसके लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइज इन्होंने जीता एंड ऑथर का नाम क्या है गीतांजलि श्री विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन तो अपना खुद का जलवायु जो परिवर्तन मिशन है इसे शुरू करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो कौन सा है तमिलनाडु विच इज़ दी फर्स्ट ग्राम पंचायत इन इंडिया टू अचीव हंड्रेड परसेंट डिजिटल लिटरेसी तो सौ प्रतिशत डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली जो पहली ग्राम पंचायत बनी है वो है केरल की पुलम्पारा जो पंचायत है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आई के नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका नाम है अनिश दयाल सिंह वेयर हैज द इंडियन पासपोर्ट रैंक्ड इन द वर्ल्ड स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट लिस्ट जो कि रिलीज़ की आर्टन कैपिटल ने तो इनके अनुसार अगर हम इंडिया के पासपोर्ट की रैंक की बात करें तो कितनी है 87 पहले प्लेस पे है यूएई का पासपोर्ट सबसे लास्ट जो रैंकिंग आई है वो अफगानिस्तान की रही है और इस लिस्ट में पाकिस्तान रहा है 94 प्लेस पे नेक्स्ट इज विच वुमेन हैज़ टॉप्ड द एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द ईयर 2022 और इसे रिलीज़ किया फोब्स ने तो हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में जो टॉप पोजीशन पे रही हैं वो है फ्रेंड्स बेल्जियम की उर्सुला गर्ट्रूड वॉन डियर लियन ये इसमें रही हैं पहली पोजीशन पे हु हैज़ बिकम द मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी ऑन गूगल इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2022 तो यहाँ पूछा गया देखिए सबसे ज़्यादा ना सर्च होने वाली जो महिला बनी है आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली गूगल पे कौन पर्सन बनी है आंसर इज़ नुपुर शर्मा द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द रेपो रेट फ्रॉम 5.40 परसेंट टू हाउ मच परसेंट आर के द्वारा जो रेपो रेट है उसे इंक्रीज़ किया है तो 5.40 परसेंट से बढ़ाकर कर दिया है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट हुज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन एन ओ डी आई क्रिकेट तो सबसे तेज दोहरा शतक यानि डबल सेंचुरी बनाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और इनका नाम क्या है ईशान किशन विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द डिसबल्ड तो दिव्यांगों के लिए एक अलग से विभाग स्थापित करने वाला पहला जो स्टेट बना है वो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र वेयर इज कार्तिकई दीपम रथ उत्सव सेलिब्रेटेड तो ये जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है आंसर इज मदुरई तमिलनाडु में हु विल बिकम द फर्स्ट ग्लोबल एक्ट्रेस टू अनवील द फ़ीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील करने वाली पहली ग्लोबल एक्ट्रेस कौन बनी आंसर इज इंडिया की दीपिका पादुकोण बायोलिट्रल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है संगम ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आयोजित हुई तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच बात करें कहाँ पर तो वेन्यू रहा इसका गोवा और इसका एडिशन रहा सेवेंथ Which word has been declared word of the year by Oxford Dictionary for the year 2022? थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ ईयर चुना है वो कौन से शब्द को चुना है गॉबलिन मोड विच इंडियन डायरेक्टर हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल तो इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता एस एस राजमौली ने अपनी फिल्म ट्रिपरार के लिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाम है देखिए फ्रेंड्स डोमिनिक लेप्यूरे ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक जिसका टाइटल है फ्रीडम एट मिडनाइट एंड सिटी ऑफ जॉय इनका भी हाल ही में देखिए निधन हुआ एंड ही बिलोंग टू विच कंट्री कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे आंसर इज अमेरिका वेयर हैज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यू एन हेल्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल Years ऑफ Millets 2023. तो देखिए इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो हुई ये पे हुई आंसर इज रोम इटली में जो है इसका आयोजन किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी 2022? तो जो प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार है किसने जीता है आंसर इज फ्रेंक विल ने विच कंपनी डेवलप्ड दी वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जो एयरक्राफ्ट इंजन है किस कंपनी ने डेवलप किया है आंसर इज यूके की रोल्स रॉयस और यूके की ईजी जेट तो इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट by बाय द वर्ल्ड बैंक विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन world टू रिसीव रेमिटेंसिस ऑफ हंड्रेड बिलियन डॉलर इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना इन्हें रेमिटेंस मिला और ये ऐसा ये दुनिया का पहला देश बना है और कौन सी कंट्री है आंसर इज इंडिया हुज बीन अवार्डेड द नोवल प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन फिजिक्स भौतिक विज्ञान में जो नोवल पुरस्कार है ये जीता है यू एस ए के जॉनफ क्लोजर फ्रांस के एलिन एस्पेक्ट और ऑस्ट्रिया के एलन जिलिंग तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच स्टेट हैज वॉर्न द न्यूट्री ग्रेन अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर प्रमोटिंग मिलेट कल्टिवेशन मिलेट मतलब होता है बाजरा तो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूट्री ग्रेन अवार्ड ये जीता है छत्तीसगढ़ की सरकार ने विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड द एडोप्शन ऑफ दी वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राइट आंसर इज द यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया पह दुनिया में पहली बार सिंगल चार्जर जो रूल है इसे अडॉप्ट किया गया वेयर विल दर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्वास स्वरूपम बी इंस्टॉल्ड विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जिसको नाम दिया है विश्वास स्वरूपम कहाँ पर स्थापित की जाएगी इज़ राजस्थान में राज संबंध में इसको स्थापित किया जाएगा अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग फॉर मेंस इन बीच प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू स्वीमर्स तो फ्रेंड्स बात करें कि ब्लू फ्लैग का जो टाइटल है ना वो इंडिया के कौन कौन से बीचेस को मिला है तो लक्ष्यद्वीप का है मिनी कॉय कोल्ड बीच और लक्ष्यद्वीप का ही है कदम बीच इन दोनों को ही ब्लू फ्लैग का जो है वो टाइटल रिसीव हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बने आंसर इज ऋषि सुनक वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर माइग्रेंट प्रेगनेंट वुमेन बींग इनोग्रेटेड तो जो भी प्रवासी गर्भवती महिलाएँ हैं उनके लिए भारत की पहला जो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया राइट आंसर इज मुंबई वेयर इज द डिफेंस एक्सपो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड टू एक्सप्लोर द एक्सपेंशन कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री तो जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया आंसर इज गुजरात गांधीनगर में बात करें कौन सा एडिशन रहा ट्वेल्थ और इसकी थीम याद रखिएगा पाथ टू प्राइड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेट्स रिलीज बाय द यू स्टेटिस्टिक्स ऑफिस एंड द वर्ल्ड बैंक So, प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड किसने तोड़ा हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनग्रेटेड इंडिया फर्स्ट स्मृति वन स्मारक एंड बीर बालक स्मारक इन अ मेमरी ऑफ टू थाउजेंड वन अर्थक्विक विक्टिम्स तो ये जो स्मारक है इनका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कच्छ गुजरात में किया गया विच कंट्री हैज हैजॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तो कौन सी कंट्री ने जो है इसमें टॉप किया है आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड इंडिया की बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया की रैंक इसमें रही है 132 थर्टी टू आउट ऑफ वन कंट्रीज विच कंट्रीज टीम हैज हैजन द क्रिकेट एशिया कप 2022 टाइटल राइट आंसर इज श्रीलंका तो श्रीलंका की टीम ने क्रिकेट एशिया कप 2022 का टाइटल जीता वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र बी ओपनड टू एनहेंस द एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ द यूथ तो दुनिया का पहला जो संस्कार केंद्र है इसे कहाँ पे खोला जाएगा आंसर इज राजस्थान के झुंझुनू में इसे ओपन किया जाएगा साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड दी वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल तो सेल की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है इसराइल देश के साइंटिस्ट ने इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च इन विच सिटी भारत की जो पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन है इसे कहाँ पर शुरू किया जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में which British first Indian MP and Indian freedom fighters home in London has been given the blue plaque award right answer is dada bhai noroji where has prime minister narendra modi ji inaugurated asia's largest private hospital jisko naam diya gaya hai amrita to तो ye एशिया का सबसे बड़ा private hospital है इसका उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में और किसने किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप इंडिया फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप टू प्रमोट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश तो शिक्षा और जो स्किल्स से उनको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडिया की पहली एजुकेशन टाउनशिप जो है इसको शुरू करने की अनाउंसमेंट की वट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसे रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो इस इंडेक्स में इंडिया जो रहा है वन थर्टी फिफ्थ प्लेस पे रहा पहले प्लेस पे रहा आइसलैंड और इसे इशू किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द प्राइमरी लेवल तो नई शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला जो स्टेट बना है यह है फ्रेंड्स उत्तराखंड When was वर्ल्ड पॉपुलेशन डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेलिब्रेटेड तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है इलेवेंथ ऑफ जुलाई को और इसकी थीम रही अर्ल्ड ऑफ एट मिलियन टू वार्ड्स आर रेजिलिय फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट एंड चॉइसिस फॉर ऑल अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड हंड्रेड डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर्स टू फैमिलीज जो कि अर्बन एरिया में रहती हैं तो पूछा गया है सिंपली इंदिरा गांधी जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसे शुरू किया है इसे लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने विच टीम हैज द टाइटल ऑफ टाटा आई पी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इस बार जो टाटा आई हुआ है आई का टाइटल जीता है गुजरात टाइटन्स ने और कौन सा एडिशन रहा इस बार फिफ्टी विच इंडियन स्टेट विल बी अवारेड द इंटरनेशनल अवार्ड 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टोबैको कंट्रोल बाई डब्ल्यू एच ओ तो इंटरनेशनल अवार्ड ये किसे किस स्टेट को मिला है झारखंड स्टेट को तो तम्बाकू नियंत्रण में जो उनकी जो उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा उसी के बेस पे उन्हें यह अवॉर्ड दिया गया विच स्टेट तो है इसे राजकीय तितली के रूप में मान्यता की जो घोषणा करी है सिक्किम की सरकार के द्वारा की गई विच कंट्री स्टॉप्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जिसे रिलीज किया द फ्रेजर इंस्टीट्यूट तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है इसमें देश हांगकॉन्ग इंडिया की रैंक रही है फ्रेंड्स एटी नाइन पोजिशन अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन हैज रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियन स्टेट एट द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट तो भाई किस राज्य को दुनिया की पहली ऑर्गेनिक और, और क्राइम फ्री स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है कौन सा स्टेट है आंसर हो जाएगा सिक्किम अगला क्वेश्चन है वेयर विल इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है कहाँ बनाया जाएगा आंसर इज लद्दाख वेन इज द एट्थ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू सेलिब्रेटेड राइट आंसर इज ट्वेंटी फर्स्ट जून और इसकी जो थीम रही वो क्या थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी

जो केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस में जो युवाओं की भर्ती है उसकी एक योजना शुरू करी उसे नाम दिया गया अग्निपथ विच इंडियन है प्रेस्टीजियस हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी 2022? किस भारतीय को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया सही आंसर है इंद्रजीत सिंह विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट अ ड्रॉन फोर्स टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन डिजास्टर राइट आंसर इज उत्तराखंड हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी भारतीय सेना की जो पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी उनका नाम है अभिलाषा बराक नेक्स्ट क्वेश्चन है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2022 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी हैज बिगन तो जो बोंगो सागर एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच कहां पर हुई मंगला पोर्ट बांग्लादेश और बेओ बंगाल और इसका एडिशन रहा थर्ड बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बनी है सही आंसर है राजीव कुमार हु हेज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी सही आंसर हो जाएगा यहाँ आपका संजय कुमार विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना टू प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन्स टू वुमेन महिलाओं को देखिये फ्री में स्मार्टफोन्स उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने विच state has द the स्कॉच अवार्ड award 2022 for the फॉर द लक्ष्मी भंडार स्कीम तो बात करें प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार किसने जीता आंसर इज वेस्ट बंगाल ने विड वॉज वर्ल्ड सिटीज डे 2022 सेलिब्रेटेड तो विश्व शहर दिवस ये आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को और इसकी थीम भी ध्यान रखेगा एक्ट लोकल टू ग्रो ग्लोबल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बैनड द यूज ऑफ विच केमिकल कंपाउंड इन व्यू ऑफ हेल्थ टू एंड एनिमल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस केमिकल कंपाउंड को के यूज़ को बैन कर दिया आंसर इज ग्लाइफोसट फॉर द फर्स्ट टाइम विच टू वुमेन ऑफिसर्स ऑफ सी आर पी एफ है इंस्पेक्टर जनरल तो इनका नाम है एनी इब्राहिम और सीमा ढूंडिया हु हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट महिला मोहल्ला क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंट वुमेंस एंड चिल्ड्रन जिनकी एज ट्वेल्व ईयर्स से कम है तो बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों और जो भी प्रेगनेंट वुमेंस हैं उनके इलाज के लिए पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया अरविंद केजरीवाल ने जो कि हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट क्लॉग बी इंस्टॉल्ड दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की जाएगी आंसर इस उज्जैन इंडिया में द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वेलिडिटी ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किस अमेंडमेंट के तहत जो है वो इसे किया गया सिंपली ध्यान रखेंगे वन हंड्रेड थर्ड नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है विल बी द चीफ गेस्ट एट द प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कॉन्फ्रेंस तो बात करें एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन इनवाइट हुए हैं आंसर इज है, मोहम्मद इरफान अली जो कि हैं गोना के प्रेसिडेंट विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड लोक मिलनी स्कीम टू तो लिसन टू तो पीपल ग्रीवें तो बात करते हैं पे लोक मिलनी योजना की तो इसे शुरू किया हमारा पंजाब की सरकार ने हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन बाईसवें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है आंसर हो जाएगा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स स्टैंडर्ड इन वॉर टोन कंट्री यूक्रेन तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो यूक्रेन में आ, नागरिक फंसे हुए हैं देखिए उनको वापस लाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया और उसे नाम दिया ऑपरेशन गंगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड अम्बेसडर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाइजू तो बाइजू के जो पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसिडर बनी है उनका नाम है लियोनल मेसी इन बिच स्टेट द अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व लॉन्च एलिफेंट अडोप्शन स्कीम तो जो अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व है उसमें एलिफेंट एडोप्शन स्कीम इसे किसके दो इस योजना को शुरू किसने किया है आंसर इज तमिलनाडु सरकार ने हुज बिकम द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म सही आंसर है इंडिया के नीरज चोपड़ा विच कंपनी हैज़ लॉन्च अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फूड फ्लड हब टू फोरकास्ट फ्लड्स कौन सी कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है सही आंसर है यू एस की कंपनी गूगल ने जो है इसे लॉन्च किया हुज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने सिंपली ध्यान रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी बाइलेट्रल एक्सरसाइज नसीम अल बहर हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी तो जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है ये भारत और ओमान देश के बीच में इसका आयोजन किया गया वेन्यू कहाँ पर रहा इसका ऑन दी कोस्ट ऑफ ओमान और इसका एडिशन रहा थर्टींथ हु हैज़ वॉन द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ़ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अवार्ड एट द फिफ्टी थर्ड आई एफ एफ आई फिल्म फेस्टिवल तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है किसने जीता है चिरंजीवी ने फिल्म अभिनेता के लिए के लिए विच कंट्री हैज़ अप्रूवड द वर्ल्ड फर्स्ट एवर्ड ड्रग जिसका नाम क्या है जिसका नाम है टेपली जुमाब टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ टाइप वन डायबिटीज फॉर थ्री ईयर्स तो किस देश ने दुनिया में पहली बार टाइप वन डायबिटीज के खतरे को तीन साल तक रोके जाने वाली दवा जिसका नाम क्या है टेपलीजुमाव को मंजूरी दी है तो ये मंजूरी दी है आंसर हो जाएगा अमे, अमेरिका के द्वारा अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग सही आंसर है हमारा सर्वानंदा सोनेवाल जी ने इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया मलेशिया देश के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड मेंटल अवार्ड जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड तो ये अवार्ड किसने जीता है आंसर इस इंडिया की पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये जो अवार्ड है वो जीता है तो ध्यान रखिएगा पूर्णिमा देवी बर्मन इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया अगला हमारा है मूंगफली उत्सव जिसका नाम है कडाई ले काई परिषे टू किस राज्य में ये जो फेस्टिवल है मनाया गया आंसर इज कर्नाटक नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेय एस दर्टी फिफ्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया किस राज्य के जो अरिटापट्टी मीनाक्षीपुरम विलेज हैं इन्हें थर्टी फिफ्थ बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया गया आंसर इज तमिलनाडु एक्सीडेंटल सिजार्ड द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमार पुतिन ये किसने लिखी है ये पुस्तक लिखी है एंड्रीओ एस वेज ने हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया आंसर इज ब्रिटेन के जॉन मैकफॉल को अगला क्वेश्चन है व्हिच बैंक ज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टीकर आधार डेबिट कार्ड और इसका नाम है फर्स्ट एप तो फर्स्ट ऐप को जो है ये स्टीकर बेस्ड डेबिट कार्ड है इसे किसने लॉन्च किया है तो सही आंसर हो जाएगा आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ने विच कंट्री हेज लॉन्च ऑपरेशनल टर्टल टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ प्रोटीन हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू फ्रेश वाटर टर्टल बटागुर कछुआ एट द सिटीज कॉप नाइनटीन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पनामा सिटी तो देखिए क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि पनामा सिटी में नब एक सम्मेलन हुआ जिसमें किस देश ने जो ताज़े पानी के कछुए हैं बटागुर कछुआ उनको उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है नाम है इसका ऑपरेशन टर्टल शील्ड तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे 2022 सेलिब्रेटेड बात करते हैं संविधान दिवस की तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर के दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो हमारे संविधान को अपनाया गया था वो छब्बीस नवम्बर के दिन नाइनटीन को अपनाया गया था और इसे लागू कब किया गया था ट्वेंटी ऑफ जनवरी 1950 तो इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट इज विच हैज वॉन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ब्रिविंगम कॉमनवेल्थ बैडमिंटन गेम्स तो मैंस एंड वुमेन्स दोनों में अगर हम बात करें गोल्ड मेडल किसने जीता लक्ष्य सेन एंड इंडिया की पीवी सिंधु ने इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग सेंटर स्काई रूट विल बी सेटअप इन विच स्टेट तो जो स्काई रूट ये जो है एक तरीके का इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सेंटर है इसे तेलंगाना स्टेट में सेटअप किया जाएगा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड कप टू स्कोर गोल्स इन फाइव एडिशन्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप के पाँच संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं पोर्तुगल के क्रिस्टियानो रोनल्डो विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इंडियाज लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी बिस्लरी फॉर अराउंड रुपीज सेवन थाउजेंड करोड़ इंडिया की लार्जेस्ट जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है बिस्लरी इसे एक्वायर किसने किया है टाटा कंज्यूमर ने हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी राइट आंसर इज असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख बने हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्वाइटेड प्रेजिडेंट अब्दुल फतेह अल सी ऑफ विच कंट्री एज अ चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो इजिप्ट के प्रेजिडेंट अब्दुल फतेह अल सिजी जी को इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे परेड 2023 में एज अ गेस्ट के लिए इंडिया फर्स्ट एंटी पोचिंग डॉग टू बी डिप्लॉयड टू मॉनिटर पीडिटर्स हैज़ पास्ड अवे दिस डॉग वाज नोन बाय व्हाट नेम तो इस कुत्ते का क्या नाम था तो इसे जाना जाता था जोरबा के नाम से जिसका हाल ही में अभी क्या हुआ है निधन विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च हर घर गंगा जल सप्लाई स्कीम टू प्रोवाइड गंगा वाटर टू हाउस होल्ड टैप्स घरों के नलों में गंगा का पानी पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया है बिहार की सरकार ने वेयर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग हाइपर टावर बी बिल्ट दुनिया के सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर कहाँ बनेगी तो ये बनेगी फ्रेंड्स दुबई में द न्यू जनरेशन हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जिसका नाम क्या है इसका नाम है इक हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी कौन सी कंपनी ने इस वेसल को बिल्ड किया है तो जी आर एस सी कंपनी जो कि कोलकाता की है उन्होंने इस वेसल को बिल्ड किया विच कंट्री विल होस्ट द फिफ्टी नाइन्थ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इंडिया और इसकी थीम है सर्विंग द पीपल मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ निक्शय मित्र इनिशिएटिव एंड टी वी अवेयरनेस कैम्पेन तो निक्शय मित्र जो पहल है इसकी नई नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है आंसर इज दीपा मलिक हु हैज रिटर्न द बुक जिसका टाइटल है ई के जानकी अम्मा लाइफ एंड साइंस कॉन्ट्रीब्यूशन इस बुक की ऑथर कौन है निर्मला जेम्स हैज वॉर्न द टाइटल ऑफ मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑफ़ और मैक स्टार्स इंडिया लव मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का टाइटल जीता है समानथा रूथ प्रभु ने वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जिस जिसका नाम है दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बी बिल्ड तो ये भारत की पहली बौद्ध विश्वविद्यालय है और इसे बनाया कहाँ जाएगा त्रिपुरा स्टेट में हु हैज़ चेंज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स वायरस टू वॉट न्यू नेम तो जो नया नाम रखा गया है वो है एम पॉक्स विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जिसका नाम है याकुतिया तो ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर है और इसे लॉन्च किया है किस कंट्री ने रशिया ने इन ऑर्डर टू मेक वुमेन एंड गर्ल्स अवेयर अगेंस्ट जेंडर वायलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू कैंपेन इस कैंपेन को क्या नाम दिया है तो इस कैंपेन का नाम है नई चेतना वेयर हैज़ के वी आई सी चेयरमैन मनोज कुमार इनोग्रेटेड द री हब प्रोजेक्ट टू प्रीवेंट अटैक्स बाई वाइल्ड लाइफ ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स मानव बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमलों को रोकने के लिए रीहब जो परियोजना है इसे नैनीताल उत्तराखंड में इसको इसका उद्घाटन किया गया रीहब की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया डेनिस पार्नल सुलिवन को वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव बॉलैनो माउनो लोअर बालकैनो इरप्टिड अगेन आफ्टर फोर्टी ईयर्स चालीस साल के बाद ये फिर से देखिए इरप्ट हुआ है और ये कौन से देश में है हवाई अमेरिका में कुछ स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम ताकि स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जा सके इस स्कीम को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन दर्ल्ड टू हिट सेवन सिक्स इन एन ओवर ऑफ़ लिस्ट ए क्रिकेट लिस्ट ए क्रिकेट के एक ही ओवर में सात छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनी इंडिया के ऋतुराज गायकवाड़ बिकम द न्यू एम डी एन सी ओ ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है तो इसके एम डी सी ई बनी है सुंदर रमन राम मूर्ति विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल रुपीज आ रिटेल डिजिटल करेंसी फॉर कॉमन पीपल राइट आंसर इज आर बी आई ने डिजिटल रुपीज़ पर जो पहला प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया डी सी जी आई हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नेसल कोविड वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवेक इसे किस कंपनी ने डेवलप किया है तो इस वैक्सीन को भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ल्ड हैज़ बीन डिक्लेयर वर्ड ऑफ द ईयर बाय मरियम बेबस्टर फॉर द ईयर 2022 तो इसके अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया आंसर इज गैस लाइटनिंग डी ट्वेंटी थर्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तेईसवें नंबर का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपका सेलिब्रेट किया गया है नागालैंड स्टेट में हु हैज़ बॉर्न द फीफा अंडर सेवेंटीन वुमेंस वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल तो ये टाइटल किसने जीता है स्पेन ने इसका वेन्यू कहाँ पर रहा इंडिया कौन सा एडिशन हुआ इसका सेवेंथ हु हैज़ वॉन द प्रस्टीजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द फिफ्टी थर्ड आई एफ एफ आई फिल्म फेस्टिवल तो फिफ्टी थर्ड आई एफ एफ आई फ़िल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये किस फ़िल्म ने जीता है आंसर इज आई हैव इलेक्टिक ड्रीम्स जो कि एक स्पेनिश फिल्म है नेक्स्ट विच फिल्म हैज़ बीन मेड टू बी शोन इन द फस्ट साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री इन दिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा विश्व सिनेमा के इतिहास में पहली साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाने वाली फिल्म कौन सी बनी है आंसर इज हैज बिकम द न्यू ब्रांड अम्बेसिडर ऑफ उत्तराखंड सही आंसर है प्रसून जोशी उत्तराखंड के नए ब्रांड अम्बेसडर बने हु द बुक जिसका टाइटल है इंडिया फिजिकल फेडरलिज्म ये बुक किसने लिखी है जी राम रेड्डी ने हु हैज़ won द टाइटल ऑफ badminton टूर्नामेंट थर्टी सेकेंड थॉमस कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो जो थर्टी सेकेंड थॉमस कप है किसने जीता है तो ये जीता है फ्रेंड्स इंडिया के टीम ने विस्तारा एयरलाइंस विल बी मर्ज्ड विद विच एयरलाइन बाय बाई मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो विस्तारा एयरलाइंस जो है वो एयर इंडिया में क्या हो जाएगी मर्ज हो जाएगी मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक Where has the statue of Mahatma Gandhi been inaugurated during the presidency of the Security Council of India? Right answer is United Nations Headquarters. Next question is India's first avalanche monitoring radar. ये क्या काम करेगा? ये जो भी landslides होती है, उसको डिटेक्ट हैं उसको detect और उसका पता लगाने का काम करेगा और इससे कहाँ पर इसको install किया गया है? Answer is Sikkim state में. विच सिटी हैज़ been declared इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द सिक्स कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर जो कि है मध्य प्रदेश में वेयर विल द ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बी हेल्ड आंसर इज नाडी जो कि कहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ फिजी में विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल टू रेपिडली एक्सपेंड इंटरनेट सर्विस गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना गुजरात वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सी एन जी टर्मिनल दुनिया का पहला सी टर्मिनल की जो आधारशिला है ये भावनगर गुजरात में रखी गई किसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा Which कंट्री हैज़ topped द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ट्वेल्थ consecutive ईयर कौन सी कंट्री ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया आंसर इस स्विट्जरलैंड इंडिया की रैंक किस में रही कौन से नंबर पर फोर्टीथ पे वेयर हैज़ द Archaeological सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड ट्वेंटी बुद्धिस्ट केव्स फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी बी सी टू फिफ्थ सेंचुरी बी सी तो इसका जो इसकी जो खोज की है वो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में की गई हु हैजन द मैन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लेम तो जो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लीम हुआ उसमें मैन सिंगल का टाइटल किसने जीता आंसर इज स्पेन के प्लेयर है राफेल लदाल जिन्होंने मैन सिंगल का टाइटल जीता विन वॉज वर्ल्ड एनिमल डे 2022 सेलिब्रेटेड विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है फोर्थ ऑफ अक्टूबर को और इसकी थीम रही शेयर्ड प्लानट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट वेपन सिस्टम्स ब्रांच इन विच इंडियन आर्म्ड फोर्स केंद्र सरकार ने किस भारतीय सशस्त्र में पहली हथियार प्रणाली शाखा शुरू करने की मंजूरी दी राइट आंसर इज इंडियन एयर फोर्स नेक्स्ट है कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने एक क्लोन जो है वो वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ का बनाया और जिसका नाम है माया तो किस कंट्री के रिसर्चर्स ने जो है वो इसे बनाया है आंसर इज चाइना वेयर हैज़ द जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज ऑफ एस सी ओ मानेसर एंटी टेररिज्म टू थाउजेंड ट्वेंटी तो फ्रेंड्स मानेसर एंटी टेरर का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया आंसर इस इंडिया वेन वॉज वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू सेलिब्रेटेड विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है आंसर इस 9 अक्टूबर को इसकी थीम रही है पोस्ट फॉर प्लान तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज चेंज द नेम ऑफ दिस पार्टी फ्रॉम तेलंगाना राष्ट्र समिति टू तो वॉट न्यू नेम तो तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल कर नया नाम कर दिया है इंडिया राष्ट्र समिति नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास इंस्टॉल इन द ऑर्बिटर ऑफ विच इसरो मिशन हैज डिटेक्टेड अबंडेंट सोडियम ऑन द ल्यूनर सरफेस पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है कौन से स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने और ये इसरो का कौन सा मिशन था चंद्रयान टू हु हैज़ प्रिसड ओ ओवर द इंडिया साइड एट द फर्स्ट आई टू यू टू समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो जो पहला ये आई टू यू टू समिट हुआ इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आई टू यू टू मीन्स होता है इंडिया इसराइल यू ए यू एस तो चार देशों का ये ग्रुप है नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर थ्री टर्म्स हैज़ पासड अवे तो किस स्टेट के तीन बार जो है चीफ मिनिस्टर रही हैं आंसर इज उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्कुलर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देयर विल बी नो चार्ज ऑन ट्रांजेक्शन अप टू हाउ मच रुपीज ऑफ रूपे क्रेडिट कार्ड यूजिंग ऑन यूपीआई तो 2000 से ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे 2000 तक तो uh, दो हजार रुपये तक का जो भी आप लेन देन करेंगे ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी विच स्टेट और ड्यूटी हैज़ लॉन्च्ड एन एंटी डस्ट कैम्पेन टू प्रिवेंट द राइज इन पॉल्यूशन कौन से यूनियन टेरिटरी ने इसे शुरू किया है तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स दिल्ली के द्वारा नेक्स्ट है विच स्टेट विल लॉन्च द परई शिक्षा स्कीम टू कंडक्ट क्लासेस इन ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स तो परे को शुरू किस स्टेट के द्वारा किया गया आंसर इज वेस्ट बंगाल हुन द टाइटल ऑफ एफ आई एच प्लेयर मैन एंड वुमेन ऑफ़ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो एफ आई एच प्लेयर पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ़ द ईयर का जो खिताब है जीता है इंडिया की हरमनप्रीत सिंह और नीदरलैंड के फेलिस एल्बर्स ने इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम है पम्बन ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट तो जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है पम्बन ब्रिज इसे किस राज्य में बनाया गया आंसर इज तमिलनाडु फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ तेरह एलिफेंट सेंचुरी ऑफ विच स्टेट एज ए थर्टी थर्ड रिजर्व ऑफ इंडिया तो ये जो तेरे एलिफेंट रिजर्व है ये आपका कौन से स्टेट में है उत्तर प्रदेश में विच कंट्री विल होस्ट द फ़ीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023? 2023 दो हजार तेईस में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों करेंगे इसका कौन सा एडिशन होगा नाइन्थ और मैस्कॉट का नाम है तजुनी विच फिल्म हैज़ वॉर्न द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द फिफ्टीथ सेटन अवार्ड जो कि हुए लॉस एंजल्स में तो इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता ट्रिपल आर ने दर्ल्ड डर्टीएसट मैन अमू हाजी हु डिड नॉट बाथ फॉर डिकेट्स हैव पासड अवे ही बिलोंग टू विच कंट्री तो अमू हाजी ये दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति कहे जाते थे और किस देश के रहने वाले थे ये आंसर इस ईरान देश के इंडिया मोस्ट पावरफुल सुपर कम्प्यूटर परम प्रवेगाज बीन इंस्टॉल्ड इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट तो इसे आई आई एस सी बेंगलुरु में इसे जो है बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा तो नीरज चोपड़ा की जीवन की शॉर्ट बायोग्राफी है और इस बुक को लिखा किसने है नवदीप सिंह गिल ने विन वॉज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑब्जर्व तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है फोर्टीन फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इसकी थीम रही फिफ्टी मिलियन स्टेप फॉर एपिलेप्सी अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट होप एक्सप्रेस मशीन फॉर कैंसर प्रिवेंशन तो कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया गया महाराष्ट्र स्टेट में विच इज़ दी हंड्रेथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया विद एवरी हाउस होल्ड वाटर अंडर जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जलवाड़ा भारत का सौवा जो जिला बना है वो है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विन वॉज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेलिब्रेटेड तो इक्कीस फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च दी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्यरेबल एयर प्योरीफायर जिसका नाम है नेसो नाइन्टी फाइव इसे लॉन्च किया है नैनो क्लीन ग्लोबल आई आई टी डेली के द्वारा हुन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ तुर्क मेनस्तान तुर्क मेनस्तान के नए प्रेजिडेंट कौन बनी हैं सरदार वर्दी मुहमतीब हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट डब्लू टी ए फाइनल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फ्रेंड्स डब्ल्यू टी ए के फाइनल में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है फ्रांस की कैरोना गार्सिया ने अगला क्वेश्चन है साइक्लोनिक स्टोरम जिसका नाम है सितरंग इन अ बे ऑफ बेंगॉल हैज अफेक्टेड द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इस साइक्लोन को किस कंट्री ने नाम दिया है तो इसे नाम दिया है थाईलैंड देश ने हु हैज़ लॉन्च ए वेबसाइट कॉल्ड सन्स ऑफ माँ भारती या माँ भारती के सपूत नाम की वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है आंसर इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने विच कंट्री हैज़ होस्टेड द नाइन्टीथ जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इंटरपोल की नब्बी जो नब्बे नंबर की महासभा है इसकी मेजबानी किस देश ने करी आंसर इज इंडिया वट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है 107 रही है इसको इशू किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर हाई लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने, ने। नेक्स्ट है किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी नान मुधलवन के नाम से टू इम्पार्ट स्किल्स टू द यूथ तो इसे शुरू करा है तमिलनाडु स्टेट ने इसरो विल लॉन्च थर्टी सिक्सेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क वन वेब विद रॉकेट तो जो 36 सिक्स सेटेलाइट लॉन्च की इसरो ने इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा जी एस एल वी एम के थर्ड एल वी एम थ्री से द अनंगताल लेक विच वॉज डिक्लेयर्ड अ मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है तो बात करें अगर हम अनंग ताल झील की तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स दिल्ली में व्हेन वाज वुमेन्स इक्वालिटी डे 2022 सेलिब्रेटेड महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को और थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज हैंडेड ओवर द इंडिजीनियसली डेवलप्ड आईएनएस विक्रांत टू द इंडियन नेवी जो आइनेस विक्रांत है ये क्या है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री जिन्होंने क्रिएट किया डिटेल्ड मैप ऑफ द मून किस देश के साइंटिस्ट ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है सही आंसर है चाइना अ स्ट्रीट इन मरखम सिटी ऑफ कनाडा इज नेमड आफ्टर व्हिच म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम जो है ए आर रहमान जी के नाम पर रखा गया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ न्यू नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लीनिंग सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स अंडर विच नेम तो एक नया नेशनल जो एक्शन प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसे नाम क्या दिया है नमस्ते नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मकैनाइज सैनिटेशन इको सिस्टम According to the Crime in India Report 2021 released by the National Crime Records Bureau, which state has the highest number of death in traffic accidents? तो जो भी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं इसमें सर्वाधिक जो डेथ होती हैं वो कौन से स्टेट में होती हैं? आंसर इस उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, Which Indian state will be awarded the International Travel Awards 2023? ये अवॉर्ड किस स्टेट ने जीता वेस्ट बंगाल ने वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम बी सेटअप दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा हरियाणा के राखीगढ़ी में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में अगला क्वेश्चन है हिंदी नेशनल जो हिंदी डे है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस है कब मनाया गया चौदह सितंबर को ये मनाया जाता है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायरड दी वर्ल्ड फर्स्ट एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम जिसका नाम है आयरन बीम तो आयरन बीम का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है ये इसराइल देश के द्वारा किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील की 28 फीट फिट टॉल स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि ग्रेनाइट स्टोन से बनी है तो इसे कहाँ पर पूछा गया अनावरण किया गया इसका तो पाथ ऑफ ड्यूटी या से कह लीजिए कर्तव्य पथ जो कि कहाँ पे है न्यू दिल्ली जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को अनवील किया गया हु ड्रामा सीरीज कैटेगरी एट द सेवेंटी प्राइम टाइम एमी अवॉर्ड्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है ली जोंग जे ने विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर बना है महाराष्ट्र का संभाजी नगर Which कंट्री has द मेडल medal ऑफ of कॉमनवेल्थ गेम्स Games 2022? तो मेडल टैली में सबसे ऊपर रहा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल करे जिसमें 67 गोल्ड 57 सिल्वर और फिफ्टी फोर मेडल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने चिराग स्कीम शुरू करी ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके तो चिराग स्कीम को शुरू किया हरियाणा की सरकार ने वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनोग्रेटेड द सेवेंथ एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग सही आंसर है नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया गया और इसकी थीम रखी गई हैश टैग वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउट लायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन दर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर ऑल वुमेन सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सेनेटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड इंडियन विल बी ऑनर्ड विद फ्रांस हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ला लीजन डी ऑनर तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को ऑन सेवनटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सेलिब्रेटेड जो डिवाइडिंग लाइन है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसका नाम क्या है इसका नाम रेड क्लिफ लाइन अगला क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट हैज हैवर्नमेंट द लॉन्च ऑफ एन एप्लीकेशन कॉल्ड लकी बिल टू प्रिवेंट जीएसटी इवेजन जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए लकी बिल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है केरल गवर्नमेंट ने टू विच कंट्री हैज़ इंडिया हैंड ओवर द फर्स्ट मेरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जिसका नाम है डॉर्नियर ये मेरीटाइम सर्विलेंस में हेल्प करेगा किस देश यहाँ पर पूछा गया किस देश को ये सौंपा गया है तो ये दिया गया है श्रीलंका को इन विच ईयर द फर्स्ट वुमेंस क्रिकेट आई पी एल विल बी हेल्ड तो कौन से वर्ष में आयोजित किया जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में विच इज़ बिकम इंडिया फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी अंडर जल जीवन मिशन तो इंडिया का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और यूटी कौन सा बना है आंसर इज दादरा नागर हवेली गोवा एंड दमन द्वीर तो इसलिए आंसर इज इस सुटेबल थ्री वेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट द सीड स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नोमेडिक ट्राइब्स तो जो सीट योजना है इसे कब शुरू किया गया सिक्सटीन फरवरी 2022 ट्वेंटी टू को सीट की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम वेयर टू वेयर इंडियन रेलवेज हैज़ रन देवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन जिसमें छः इंजन और सिक्स नाइन्टी फाइव कोचेज हैं जिसका नाम है सुपर वासुकी तो इसे इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे जो है इसको इस ट्रेन को चलाया गया कहाँ से कहाँ तक बिटवीन कोरबा एंड राजनांदगांव वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बी बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर तो भारत का जो पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क है ये बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में हु हैज़ चेयर्ड द ट्वेंटीथ मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सही आंसर है भूपेंद्र यादव जो कि हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर और कहाँ पे इसका वेन्यू है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश और एडिशन है ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया सेक्स रेशियो हैज बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज जिसे प्यू रिसर्च सेंटर ने रिलीज किया वट हैज़ बीन इंडिया सेक्स रेशियो एट द बर्थ इन द ईयर टू थाउजेंड तो उस समय पे भारत का जो लिंगानुपात रहा वो था 108. जीरो एट रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू मैथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर सब्सटीट्यूट जाइलोटॉल फ्रॉम शुगर केन वेस्ट तो राइट right आंसर हो जाएगा आई आई टी गुवाहाटी कौन से स्टेट के मिथिला मखाना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जी आई दिया गया तो मिथिला मखाना फेमस प्रोडक्ट है बिहार का विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द स्टेटस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स टू दही हांडी खेल दही हांडी खेल को भी आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा किस गवर्नमेंट ने दिया महाराष्ट्र की सरकार ने वेयर वॉज द फोर्टी सेवंथ मीटिंग ऑफ जी एस टी काउंसिल हेल्ड तो ये मीटिंग कहाँ पर हुई चंडीगढ़ में और इस मीटिंग की अध्यक्षता करी निर्मला सीतारमण जी ने विच स्टेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस एमओ बस हैज़ बीन अवार्डेड द प्रस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड तो किस राज्य की सार्वजनिक पब्लिक जो परिवहन सेवा है इसे अवार्ड दिया गया आंसर इज उड़ीसा वेयर हैज़ द United Nations ओशन कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज टू डील विद मरीन पॉल्यूशन तो इसका आयोजन किया गया है लिस्बन पोर्तगल में विच स्टेट हैज़ topped इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018-19 and नाइनटीन एंड जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया तो इसमें टॉप किसने किया है राजस्थान स्टेट ने हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ़ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सही आंसर है खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का टाइटल जीता हु हैज़ पिकम द फर्स्ट प्लेयर इन दर्ल्ड टू विन एटी मैचज इन ऑल फोर ग्रैंड स्लिम टेनिस टूर्नामेंट सही आंसर है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोबिच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ अबोलिश्ड द constitutional rights टू अबोर्शन ओवर टर्निंग अ फिफ्टी ईयर ओल्ड लॉ पचास साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने विच प्लेयर हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लेजेंडरी बैट्समैन ब्रियान लारा by स्कोरिंग द मोस्ट ट्वेंटी नाइन रन इन एन ओवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट तो एक ओवर में ट्वेंटी नाइन रन बनाकर जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है ये इंडिया के जसप्रीत बुमरा ने किया हुज बोर्न द टाइटल ऑफ फार्मूला वन रेस मोनेको ग्रैंड पिक्स ये किसने जीता है सरजियो पैरिस ने जो कि रेड बुल के, के रेसर हैं और कंट्री है इनकी मैक्सिको हुज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार से देखिए यहाँ पे इन चारों को सम्मानित किया गया है इसलिए आंसर इज ऑप्शन ई सुटेबल ऑल हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ये टाइटल जीता है गोकुलम केरला एफ सी ने और एडिशन इसका हुआ फिफ्थ वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सेलिब्रेटेड ये दिन कब बनाया जाता है ट्वेंटी नाइन ऑफ मे को और इसकी थीम रही पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स, विच इज बिकम द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन दर्ल्ड बाय बीटिंग फुगाकू सुपर कंप्यूटर ऑफ जापान जापान की फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना है अमेरिका का फ्रंटियर अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन स्टेबलाइज्ड तो इसे स्टेबलाइज कहाँ पे किया गया उत्तराखंड स्टेट में द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस तो इसकी खोज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स के द्वारा की गई वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टफायर द इंडिजीनियस एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि फोर अग्नि फोर का जो परीक्षण है वो उड़ीसा की अब्दुल कलाम आइलैंड पे किया गया इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेंड स्पेस मिशन गगनयान और पहला जो समुद्री मिशन है समुद्रयान इसे किस वर्ष में जो है लॉन्च करेगा तो इंडिया जो है इसे टू में लॉन्च करेगा विच कंट्रीज टीम हैज़ मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द हाईएसट फोर नाइन्टी एट रन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ओ डी आई क्रिकेट तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया किस टीम ने बनाया है इंग्लैंड ने इन्होंने बनाई है फोर नाइंटी एट रन्स विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया टू कनेक्ट इंडिया इन नेपाल ऑन रामायणा सर्किट रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बनी है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इन विच ईयर हैज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेस्ट वाटर स्ट्रिंगरे फिश हैज़ बीन डिस्कवर्ड ये जो फिश है किस देश में खोजी गई कम्बोडिया में विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स थर्ड मोस्ट एडवांस्ड एंड फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली बिल्ट नेवल वेसल जिसका नाम है फूजियान इसे किस कंट्री ने लॉन्च किया सही आंसर है चाइना हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन विद कंट्री फॉर इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट तो हरियाणा की सरकार ने इसके लिए जो एम यू साइन किया है वो इसराइल देश के साथ मिलकर किया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च संभव पोर्टल फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने हैज वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग तो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ये किसने जीता है मैनचेस्टर सिटी एफ ने वेयर इज द विंटर ओलंपिक्स 2022 गेम ऑर्गेनाइज्ड तो विंटर ओलंपिक का जो आयोजन है वो बीजिंग चाइना में किया गया एडिशन रहा इसका ट्वेंटी फोर्थ मेडल टैली में पहले प्लेस पे रहा नॉर्वे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन द वर्ल्ड एयर स्ट्रेंथ इंडेक्स 2022। भारतीय वायु सेना अगर बात करें कौन से स्थान पर रही है थर्ड नंबर पे, पहले स्थान पे रहा है अमेरिका और इसे इशू किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने विच इज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रईज इन्साइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जनजातियों का विश्व को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है उड़ीसा इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी फॉर द एंड डेंजर स्पीशीज स्लेंडर लोरिस हैज़ बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट किस राज्य की सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया सही आंसर है हमारे यहाँ पे तमिलनाडु इज द राइट आंसर इन विच ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट स्कीम जिसका नाम है स्माइल तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए इस स्कीम को लॉन्च किस वर्ष तक इसे शुरू किया गया ट्वेंटी फेबरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज हु हेज़ बॉर्न द पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड वन ऑफ़ द बिगेस्ट अवॉर्ड्स इन दर्ल्ड ये इस ये अवार्ड किसने जीता है देवदत्त चक्रवर्ती ने विच इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना किस इंस्टीट्यूट ने इसका सफल परीक्षण किया इंडियन आर्मी डी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स तो बात हो रही है फ्रेंड्स की आई टी बी पी के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं उनका क्या नाम है राइट right आंसर है अनिश दयाल सिंह विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू गिव लीगल रिकोगनाइजेशन टू द कल्टिवेशन एंड सेल्स ऑफ कैनाबिस भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना थाईलैंड बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने युक हु हैज वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन द विम्बलडन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लेम तो इसमें मैन सिंगल का टाइटल जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक सोकोबिश ने वेयर इज द आई सी सी मैंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड आई सी सी पुरुष टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर हुआ ऑस्ट्रेलिया में विजेता टीम कौन सी रही ध्यान रखेंगे तो इंग्लैंड जो है वो इसमें विनर रही Who बीन ऑनर्ड विद द प्रस्टिजियस एजू थाचन अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑफ केरला तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया आंसर इज सेतू ए सेतु माधवन को तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट अब आप लोग उसे एक क्विक सा टेस्ट ले लेते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइएगा पहला क्वेश्चन है विच इज बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया टू गेट बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अगला हमारा क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बेट एविएटर ऑफ इंडियन आर्मी तो फ्रेंड्स इनके क्वेश्चंस के आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसी के साथ एक कंप्लीट हमारी 250 फिफ्टी की वीडियो कंप्लीट होती है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो